हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स इंटरव्यू पे तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेट एच थ्री बी अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट सिंबल्स द डायरेक्ट सम एच थ्री एंड एच थ्री डायरेक्ट सम प्लस एच थ्री हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, 6, 1, 9 एंड 18। ये हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो यहाँ इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम जानते हैं कि एस थ्री है, तो एस थ्री में जो एलिमेंट होंगे, एस थ्री में एलिमेंट होंगे तीन एलिमेंट होंगे टोटल वन ऑर्डर का। एस थ्री में जो टोटल एलिमेंट होंगे उनके जो ऑर्डर होंगे वन ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर ये होंगे। अब जब हम लोग डायरेक्ट सम कर रहे हैं एस थ्री प्लस एस थ्री, तो यहां से हम ये जानते हैं कि अगर जब डायरेक्ट सम देखा जाए तो उसका जो ऑर्डर होता है, जो उसके एलिमेंट जो ऑर्डर होते हैं उनका ऑर्डर होता है एलसीएम ऑफ ऑर्डर वन। जैसे वन वाला ऑर्डर है तो एलसीएम ऑफ वन एंड वन तो होगा वन, और अगर एलसीएम ऑफ वन एंड टू का देखें तो होगा टू, एंड एलसीएम वन एंड थ्री का देखें तो थ्री, एलसीएम और उसके बाद टू एंड वन का देखने की जरूरत नहीं है, टू एंड टू का देखें तो उसकी देखने की जरूरत नहीं है, टू और थ्री का देखें तो सिक्स, एंड एलसीएम थ्री एंड टू एंड थ्री का देखें, सॉरी हाँ थ्री और थ्री का देखें, वो उसकी जरूरत है नहीं वैसे तो थ्री। ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब यहां से हम देखें तो वन टू थ्री सिक्स एंड थ्री, यानी एस थ्री प्लस एस थ्री जो इसके एलिमेंट है उनके जो ऑर्डर होंगे या तो वन हो सकता है या टू हो सकता है या थ्री हो सकता है या सिक्स हो सकता है या थ्री हो सकता है। तो यहां से अगर हम देखें तो ऑप्शंस में अगर मैच करें तो ऑप्शंस में सिर्फ ओनली एक ऑप्शन मैच करता है कि ऑर्डर जो होगा सिक्स होगा। तो फ्रेंड्स, इसका ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन से और सोल्यूशन भी हम निकालेंगे आगे की वीडियो में। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।